हाय गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल मॉम इन सचता तो हम लोग गए थे आप ही के यहाँ क्योंकि वो लोग वापस जाने वाले थे लंदन सो जिसके वजह से हम लोग मिलने चले गए और ये देखो सचदू को जाते ही वो स्कूटर साइकिल जो भी कहते हैं बच्चों का देख लेना ढूंढने लग गई इधर से उधर उधर से इधर सारा रूम्स बिखरा पड़ा था बिकॉज आप ही वॉज पैकिंग सो so, यहाँ पर भी आ गई और मैंने सोचा क्यों नहीं एक मिरर सेल्फी हो जाए एंड फिर यहाँ पर देखो अजमीरा कुछ खाना निकाल रही थी एंड सच तो उसके पीछे गाड़ी लेके आ गई गाड़ी है स्कूटर है साइकिल है बाइक है पता नहीं क्या है और ऊपर से हम लोग व्यू देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है माँ फ्लाई ओवर का व्यू बहुत ही प्यारा सा व्यू था और यहाँ देखो हम लोग लंच करने बैठ गए और सचता चेयर के बीच में खेल ही रही है इतना अमेजिंग सा दाल वाला पराठा बना था ना मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है ट्रस्ट मी और उसके साथ अचार वाह भाई वाह यहाँ पर तो खाने के बाद मैं खुद खुश हो गई थी और मेरा सबसे फेवरेट कड़ी चावल भी बना था आई रियली एंजॉयड द मील बहुत ज़्यादा यमी था इसके वजह से मैं नॉनवेज ही नहीं खाई लिटरली चिकन एंड मटन बना था बट हम लोगों ने ऑब्वियसली रात को खाया बट मैं ना इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि कड़ी चावल था और दाल का पराठा वॉज जस्ट लवली आई जस्ट विश के वापस आप ही आए किसी दिन बनाए और मैं वापस गाऊँ एनी वेज यहाँ पर देखो शाम हो गई थी और नावल आया था तो उसको मैं पूछ रही थी कैसे हो हाय बाय पता नहीं क्या कर रहे थे और सचदा को देखो वहाँ बड़े भैया भी थे ये क्लाइंब ही जा रही है खेली ही जा रही है एक तरफ से चढ़ रही है दूसरे तरफ से उतर रही है मैं इतनी ज़्यादा स्केर्ड थी ना क्योंकि बीच बीच में गैप्स थे वो अच्छे से गिर सकती थी बट देन शी मैनेज कितने अच्छे से क्लाइम करे जा रही है क्लाइम कहते हैं क्रॉल बोलते हैं क्रॉल करे जा रही है फिर यहाँ पर हम लोग बैठे थे और कुछ मैं पूछ रही थी नावल से क्या वो याद नहीं आ रहा है पर हाँ हम लोग उसको छेड़ काफी रहे थे बीच में बैठा के यहाँ पर मैं नाविल को छेड़ रही थी कि तुम सच में अपनी बहन को नबा अपी बोलने लगी क्योंकि पहले नाम लेके ही ये लोग बच्चे एक दूसरे को मारते पीटते और पता नहीं क्या क्या करते थे यहाँ जजदू को देखो बड़े इतरा इतरा के अपना वो चला चलाए जा रही है इनफैक्ट उसके बर्थडे पे भी एक आया था इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड हर बर्थडे व्लॉग एंड इफ़ यू हैवेंट तो जरूर देख लेना आई बटन पर है पूरे घर में ये लड़की चलाई जा रही थी फिर आप ही ने हमथ का जो कॉलेज uh, का कुछ फेस्ट था उसका चला दिया वीडियो एंड वी वेर वॉचिंग हम मेन लीड में था यू कैन सी दैट ग्रीन वाला जो पहना हुआ है रोज़ काइंड ऑफ़ गंजी बोलेंगे सो याल बी लाइक मामी आप क्या बोल रही हो सो या हम मेन लीड पे था और यहाँ पर बच्चों ने ऑरेंज जूस पिया एंड देखने लगे हम लोग वीडियो और आप ही कुछ बता रही थी और सजदू को ना हमेशा बस कोने में जाके लाइट्स ऑन ऑफ करना था तो वो वही कर रही थी और ये यह देखो यहाँ पर बैठ गई एकदम सामने जाके क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्टिंग सा लगने लगा क्योंकि नाच गाना हो रहा था और फिर ना नोफिल के पीछे पड़ गई अपना बिस्किट लेके कि मैंने खाया है आप भी खाओ काओ नोफिल बाई काओ दिस इज वॉट यू देखो पूरा एक साथ मुंह में घुसा लियो और वैसे भी अजीब तरीके से फिर यहाँ बता है कि टी वी बंद हो गया हम भाई नहीं है और नहीं आ रहा टीवी पे फिर पूरे घर ये दोनों बच्चे ना ऐसे गोल गोल घूमते रहे कि आप मेरा बिस्किट खा लो और नाफ़िल इज़ लाइक मुझे नहीं खाना है तुम मत मुझे खिलाओ वापस आएगी देखना और नाफ़िल को इस दिन परेशान करके छोड़िए ये लड़की इतना उसके पीछे गोल 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 सिर्फ घूमे ही घूमे ही जा रही थी और इतना ज़्यादा ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे ना लाइक इट वॉज़ अ ट्रीट कि उन लोगों को हम लोग देख रहे थे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे मस्ती करना और यहाँ देखो सचदुख गिर गई पर फिर शी अप एंड भागने लगी मुझे बहुत डर लग रहा था कि कारपेट्स पे नहीं गिर जाए बट या अच्छा हुआ कि इन लोग नहीं गिरे और पूरा दिन ऐसे ही भागा दौड़ी होता ही रहा होता ही रहा पूरा दिन नहीं मतलब शाम से जब से नोफिल आया था उसके पीछे ही पड़ी हुई थी ये लड़की और यहाँ पर जाके वापस बैठ गई और कुछ मस्ती कर रही थी फू से बातें कर रही थी और फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा नीचे चलते हैं तो मैं नोफिल और आप ही नीचे गए हम लोग आइसक्रीम खाने वाले थे तो आइसक्रीम घर ही लेके आए ले आने के बाद मैंने शूट किया नहीं खाना खा लिया और देखो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था हम लोग सोने जा रहे थे इतनी सारी बातें करनी थी ना इतना टाइम के बाद मिले साढ़े बारह बज रहा था बट दिन इस लड़की को तो नींद का नाम और निशान नहीं था मैं यहाँ पर बहुत इतरा रही थी क्योंकि मैंने आप ही का एक बहुत ही प्यारा सा पाकिस्तानी सूट पहना हुआ था एंड इट डिड फिट मी सो वेल कि मैं अपने आप को बस निहारी ही जा रही थी अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके और इतनी रात को like, लाइक ऑलमोस्ट एक बज रहे थे सजता पता नहीं क्या क्या सब अपना कार्टून ये वो सब देखे ही जा रही थी ये वैसे कार्टून नहीं है कुछ शो है पता नहीं कौन सा वाला है बट देन वो देख रही थी तो आप ही उसको चला दी थी तो वो भी मस्ती कर रही थी और हम लोग एक्चुअली रहने नहीं वाले थे तो जिसके वजह से हम लोगों ने कोई कपड़ा नहीं कैरी किया हुआ था बट हाँ आप ही एंड जीजू इज़ लाइक रह जाओ रह जाओ जीजू थोड़े बिजी थे तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि उनको अपना कुछ काम करना था और एज आई सेड हर कोने में जाके लाइट्स ऑन कर दे रही है तो इसका यही काम है पूरे घर का लाइट ऑन करके वापस भाग के आ गई देखो वापस मैं खड़ी हो गई और खुद को देख रही हूँ उस दिन पता नहीं क्यों मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मेरे स्किन भी अच्छी लग रही थी एंड इनफैक्ट आप ही का जो ये ड्रेस था वो भी अच्छी लग रही थी मुझे शायद पाकिस्तानी सूट्स लेना चाहिए क्योंकि मेरा टेलर बनाता नहीं है तो जिसकी वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास अभी भी जो मुझे स्टिच करने देना है बट देन हो ही नहीं रहा बट हाँ आई थिंक मैं एक तो पाकिस्तानी सूट ऑर्डर करवा लूँगी सो दैट आई कैन एक्चुअली मतलब उसी के मेजरमेंट के साथ कस्टमाइज़ करा पाऊँ अभी मैं आ गई अपना फ़ेस वॉश करने के लिए और ये एक्चुअली पता नहीं मैंने क्यों शूट किया बट देन मैंने किया मेरे फेस में ना बहुत सारा सनस्क्रीन था क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट दोपहर को आए थे और तभी लंच किए थे तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे धोया ही नहीं था तो अभी मैंने धो लिया सारा फेस और अब मैं अपना बाल भी खोल रही थी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे चोटी नहीं बांधनी है ऐसे ही जैसे है अच्छा लग रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे मैं घर जा के कोई शूट तो करने ही वाली थी जो मैंने किया नहीं था क्योंकि चांद रात था नेक्स्ट डे एंड जिसके वजह से मुझे बहुत सारा काम भी था नहीं शायद आज चांद रात था यस yes, इट वॉज चांद रात और नेक्स्ट डे शायद नहीं 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 नेक्स्ट डे ही चांद रात था क्योंकि उस अगले दिन रमजान शुरू होने वाली थी एंड देखो वापस मैंने अपना बाल बांध लिया अपने आप को मिरर में अच्छे से निहार लिया फिर लाइट ऑफ कर दिया और मैं बाहर चली गई अंदर चली गई बाहर चली गई पता नहीं क्या बोलते हैं सजदू भी बहुत कंफ्यूज रहती है और उसी से मुझे ये कन्फ्यूजन मिला है यहाँ देखो पापा बेटी लेट गए हैं इसको इतनी आंख में नींद भरी पड़ी है बट देन शी इज नॉट स्लीपिंग दू भी पी रही है फिर भी नहीं और यहाँ पर ओवर ऑप्सस्ड मी देखो खुद को निहारे ही जा रही हूं देखे ही जा रही हूँ मुझे इतना अच्छा लगा था इसका फिटिंग तो इसीलिए मैं पागल हो रही थी रात को ऑलमोस्ट डेढ़ बजे सो के हम लोग उठ गए पांच बजे बिकॉज ये लड़की हम लोग को उठा दी एंड उठा के क्या कह रही है चलो पापा चलो मम्मा स्लाइड पे जाना है यहाँ मेरी हालत देख सकते हो ऑलमोस्ट उजड़ा वाला नींद हुआ था मेरा कंप्लीट हुआ नहीं जिसके वजह से मैं एकदम पगलाई हुई थी और इसको देखो नीचे तो नहीं ले गए बर्डन स्विंग में बिठा दिए जो बालकनी में ही था आप ही के तो बहुत खुश हो रही थी देखो पूरी नवाबिन लग रही है एकदम ही और यहाँ पर मैं एकदम थकी परेशान हो चुकी हूँ इससे सात बजे तक ये ऐसे ही झूला झूलती रही कंटिन्यू दो घंटा और फरहान इनको झुलाते ही रहे फिर अंदर गई जाके इधर उधर उधम मचा के है आप ही इसके आवाज़ से उठ गई थी पर मुझे लग रहा था कि मैं वापस सो जाऊं पर फिर मैं वापस उठ के बैठ गई क्योंकि हम लोग सोचे कि घर चले जाते हैं घर जाके बहुत सारा काम था क्योंकि अनप्लान्ड रह गए ना इसी के वजह से और यहाँ देखो खुद को निहार रही है फिर जाके पर्दे के पीछे छुप गई काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखा था बिकॉज ऑब्वियसली मॉर्निंग हो चुका था सनवेयर लाइक अप टिल वॉट सेवन हो रहा था सेवन सेवन फिफ्टीन ऐसा कुछ टाइम हो रहा था क्योंकि आई रिमेंबर आठ से नौ बजे के बीच में हम लोग निकल गए थे सो so, ये लड़की खेले ही जा रही है पूरे घर में पूरे रूम में हर जगह पे गोल गोल घूमने के बाद गई अपना ड्रेस लेके आई और मुझे बोलने लगी कि मम्मा ये पहना दो हमें नीचे स्लाइड जाना है इसको बस स्लाइड और स्लाइड ही चढ़ना पसंद है तो मैंने उसे उसका ड्रेस ले लिया और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके नीचे चले गए ब्रेकफास्ट मैंने शूट नहीं किया बट हाँ हम लोग नीचे चले गए क्योंकि हम लोग घर के लिए ही निकल रहे थे और यहाँ पर इसको देखो चेंज नहीं करवाया क्योंकि घर जाके वैसे ही चेंज करके इसको सोना ही था क्योंकि इतना सुबह सुबह उठी जो थी इनफैक्ट मैं खुद सो गई थी घर जाके यहाँ पर एक छोटी सी लड़की जो स्कूल जा रही थी उससे मिली थी ये और बहुत सारी बातें कर रही थी लिफ्ट में जस्ट बिकॉज प्राइवेसी इशू मुझे नहीं चाहिए था कि मैं किसी और का वीडियो बनाऊँ क्योंकि इट्स नॉट गुड हम अपना फैमिली का बनाते हैं दूसरों का शायद नहीं भी पसंद हो सकता है उनको बट पीछे से बना लिया एनी वेज यहाँ पर देखो सबसे पहले उतर के जंप कर कर करके ये जो गई है स्लाइड पे ही वहाँ जाके बहुत देर तक एक्चुअली ये खेली है खेल खेल के तो एकदम पागल ही कर दिया था उसको स्लाइड पसंद है उसको पार्क पसंद है उसको हर वो चीज़ पसंद है जिसमें नींद इंक्लूडेड नहीं है फूड इंक्लूडेड नहीं है उसको पूरा दिन आप खेलने दे सकते हो शील कीप ऑन प्लेइंग तो बहुत सारा उसने स्लाइड किया और फिर देखो जंप करने लगी बहुत खुश थी वो और वापस यहाँ पर सीढ़ी इतनी ऊंची ऊंची थी उसको चढ़ने तो आता नहीं है पर फिर भी वो चढ़ने लगती है धीरे धीरे देखो एक बार एक बार एक एक पैर लेती है स्टेप करती है और फिर जाके रुक जाती है तो ऐसे ही करके पता नहीं शायद ऑलमोस्ट कितना पंद्रह बीस मिनट तक वो सिर्फ स्लाइड करती रही फिर कोई आदमी आया फॉर मेंटेनेंस वो देखे कि यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है एंड इट इज़ बेटर टू क्लीन इट अप क्योंकि रात को धूल मिट्टी सब ना हवा से ऊपर चलाई जाता है जिसके वजह से गंदा हो जाता है तो ही केम ये सारी चीज़ें ना सोसाइटीज़ में ही आप लोगों को मिलती है तो देखो यहाँ पर ना कुछ पूजा या सम पता नहीं शादी का कुछ सेटअप लग रहा था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उस तरफ होके देख के आऊं एंड यहाँ पर सजता जो है पता नहीं पचास बार तो स्लाइड कर ही चुकी है लाइक like, लिटरली ये क्लिप भी इतना लंबा है ना मैं पता नहीं क्यों इतना लंबा क्लिप रखी हूँ यहाँ पर बट शायद उसी के लिए क्योंकि वो खुद अपना वीडियोज देखती है खाने के टाइम पे और वो बहुत खुश होती है रादर देन वॉचिंग एनी थिंग स्टूपड अपना वीडियो देखे मेरा व्यूज भी बढ़ता है और उसको अपना वीडियोज देखने में मज़ा भी आता है और वो हमेशा ना रोज़ बोलती है मम्मा फू हाउस जाना है पुप्पी को फू बोलती है वो तो फू हाउस जाना है ब्लू स्लाइड में जाना है सो शी इज ऑब्सेस्ड और यहाँ देखो आके झाँक रही है पापा को देखी झाँकी और फिर वापस उसको लगा कि नहीं वहाँ चढ़ के मेरा कोई काम नहीं होगा तो मैं जाती हूँ वापस स्लाइड ही करती हूँ तो वो चली गई स्लाइड में तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा काफ़ी ज़्यादा रामलिंग भी की है मैंने इसमें क्योंकि मुझे ये पूरा स्लाइड वाला इसके लिए रखना था सजता के लिए तो बस डेकोरेशन भी हो रही थी वो भी देख रही थी सचदू को भी देख रही थी और फिर हम लोग घर के लिए निकलने लगे तो शी स्टार्टेड क्राइंग So I hope you enjoyed this video. We'll see you in our next one. Bye!